ऐसा पड़ा है जैसे मर गया है। नजर मोहम्मद, उठ, तेरे कान के पास फोन बज रहा है। हेलो। हाँ क्या? हाय अदा, मैं मर गई। हाय अजरा, हाय मेरे मौला। अजरा तू इतनी जल्दी क्यों इस दुनिया से चली गई? नजर मोहम्मद, अजरा मर गई। अजरा को माविश के दुख आ गए। नजर मोहम्मद उठ। क्या हो गया है? क्यों मेरे सर पे सुबह सुबह बैन कर रही है? नजर मोहम्मद, अजरा मर गई। वो औरत उसको खा गई, मेरे भाई की जाल को। क्या बोल रही है तू? कैसे मर गई? क्या हुआ तो उसे? मुझको क्या पता कि वो कैसे मर गई। नजर मोहम्मद, मैं कपड़े बांध लेती हूँ, चल उठ। हाय मेरा तो। चल उस घर के दरवाजे तो खुले तेरे ऊपर है। नजर मोहम्मद, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा तेरे को उसके घर जाने का। उठ जा। अल्लाह ताला तुम्हारी माँ को जन्नत पे जगह था। क्योंकि अल्लाह ताला बच्चों की दुआ बहुत जल्दी सुनता है। अम्मा कह रही थी मुझसे कि अबू नहीं बचेगी। कल ही कहा था उसने मुझसे छठी, क्योंकि उसे पता चल गया था। अल्लाह ताला ने ना उसकी तकलीफ को खत्म कर दी। बहुत तकलीफ में थी। अम्मा। पर मैं हूं ना आपके पास। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती है। मन हमारे घर की पहली खुशी वो क्यों छुपाएगी हमसे? मॉम, आप उसे नहीं जानती, वो बहुत चलाक लड़की है। पागल हो गई हो क्या? इसमें चलाकी वाली कौन सी बात है? अब अक्सर लड़कियां खट्टी चीजें खाती हैं। अगर उसने खट्टी चीज खा ली तो कौन सी इतनी बड़ी बात हो गई? मॉम, या तो आप बहुत सीधी हैं या उसे बहुत ज्यादा इंस्पायर, क्योंकि आपके बेटे की पसंद जो है। अच्छा फजूल बातें मत करो मुझसे, तुम नासिर से मेरी बात कराओ। अगर नासिर के इल्म में ये बात होगी तो वो मुझसे कोई बात नहीं छुपाएगा। आप उसे शाम में कॉल कीजिएगा, क्योंकि वो अभी सो रहा होगा। तुझको ये लोग खा गए, मुझको बताती तुझको क्या दुख था। मैं ही बदनसीब थी जो तुझको यहाँ पे छोड़ के गई। काश मैं अपने साथ तुझको ले जाती। इस मासूम बच्ची को किसके आसरे पे छोड़ के गई? मुझको पता है, मैं सब कुछ जानती हूँ उसको क्या दुख था और कितना अजाब सह रही थी ये यहाँ पे। मटिया बाजी बस कर, रोना बंद कर दे। जो अल्लाह को मंजूर था वो हो गया, रोना बंद कर दे।
आए मेरे साथ आए। चलो तो इसको यहीं बैठे रहने, आए मुंह धो ले। यहाँ मेरी बात सुने, जितना रोना है यहाँ बैठ के रो ले, और ये जो बातें आप बाहर बैठ के कर रही हैं ना, इनको अपने हलक में ही रखे वरना। वरना क्या, मैंने ऐसे क्या कर दिया? मेरा कलेजा गम से फट रहा है। अच्छा, अब फट रहा है कलेजा? जब इनके घर से चोरी करके भाग रही थी तो कलेजा नहीं फट रहा था। हमारे यहाँ ऊंची आवाज में रोना मना है, समझिया? मामा ये बात ठीक है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन हमने अभी तक किसी से टेस्ट नहीं करवाया। एक दफा मैं आ जाऊं तो मैं खुद उसे डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा, लेकिन इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात? वाह बेटा वाह, तुम इतनी बड़ी खुशी की खबर हमसे छुपाओ और हम जबान भी ना खोले, वो मेरे साथ भी डॉक्टर के पास जा सकती है ना? लेकिन मामा प्लीज इस बात को इशू बना के अब आप उससे लड़ने मत लगे। मैं नहीं चाहता कि इस हालत में उसके साथ। तुम तो बस उसकी उंगली के इशारे पर नाचते रहो। और मैंने कहा ना मैं आ रहा हूँ, चंद दिन की तो बात है, मैं आ जाऊंगा, बस थोड़ा सा सब्र कर प्लीज मेरे खातिर। जो जी में आए करते रहो, अब हम जबान भी नहीं खोलेंगे। हेलो मामा, मामा मेरे सुला के आ गया उसको मनु मिट्टी के नीचे। वैसे भी तुम लोगों को इस घर में अच्छी नहीं लगती थी, चली गई अम्मा के पास, चली गई। सारी जिंदगी अम्मा के साथ रही थी ना, अब कैसे उनके बगैर रह लेती? जो अल्लाह की मर्जी होती। दुख तो इंसान को अंदर से खा जाता है ना। कैसे कैसे दुख दिए इसको, अभी चार दिन पहले तो यहाँ पे छोड़ के गई थी, बिल्कुल ठीक ठाक थी, मुझे क्या पता था। क्या कहना चाहती है, किस पे इल्जाम लगा रही है? अरे दुख तो आप लोगों ने दिए थे उसे। साजिद भाई समझा रहे हैं, जब से आई है बदतमीजी किया जा रही है। चले अम्मी घर चले। महविश बेटा, ये वक्त बहस करने का नहीं है, चुप हो जाओ, साजिद का ख्याल रखो। अरे तुम क्यों अपना दिमाग खराब कर रही हो, इनका तो बस वही हाल है, बारहा देखी हैं इनकी रंजिशें, पर कुछ अब की सरगर्दानियां और ही हैं। हाँ चलो। अरे हटो, हाँ
अश, मैं सोच रहा था कि आज हम बाजार चलें। क्यों हयात? हाँ, अम्मी के लिए कुछ सामान लेना था। अच्छा, असल में घर पे कोई है नहीं, सब आप ही के यहाँ गए हुए हैं और बाबा अकेले हैं। तुम मैं तो भूल ही गया था। खैर, फिर सही। मैं कल बाबा को बता कर आऊंगी, अगर उन्होंने इजाजत दी तो फिर चलेंगे। मेरे साथ जाने के लिए भी इजाजत की जरूरत है। हाँ, जरूरत है। चलें। मैं वेट कर रहा हूँ इसे। मॉम, कितनी चलाक है ना ये तीनों बहन। एक तो अपने शोहर को बर्बाद करके अपनी माँ के घर आके बैठ गई, और दूसरी उसने तो अपनी सौकन को ही इस दुनिया से रुखसत कर दिया, और तीसरी हमारे सिर पे बैठ के ड्रामे कर रही है। अमन, तुम्हारी जबान में लगाम कौन डालेगा? तुमने कभी सोचा है? तुम्हारी इस किस्म की बातें अगर तुम्हारे भाई और डैड ने सुन ली तो घर में तो कयामत आ जाएगी। मॉम, आप सिर्फ मेरी ही फिक्र कीजिएगा, उनकी ना करें जो आपको बर्बाद कर रही है। फॉर गॉड सेक, अब बस करो। जब चांद चढ़ेगा तो दुनिया देख लेगी। मुझे तो ये सोचकर ही खुश होने दो। अब बैठी क्यों, जाओ जाके अपना काम करो। नहीं बुरी, अरे अमन अमन, एक जरा अच्छी सी चाय तो बना के लाओ। डैड, आप चाय खाली पियेंगे या फिर मिठाई भी साथ में लाओ? मिठाई? वो किस बात की? खुशखबरी है, मॉम आपको बताएंगी। मैंने तुमको यहाँ से जाने के लिए कहा है ना, जाओ यहाँ से। अरे भाई, जरा हमें भी तो पता चले आखिर बात क्या है। अजीब जाहिल किस्म की औरत है, कैसी बातें कर रही थी वो? वो पागल है, सारी बातें महावीर को सुनाने के लिए कर रही थी और उस पर इल्जाम लगा रही थी। ये भी ख्याल नहीं कर रही थी कि उसके घर वाले वहां बैठे हुए क्या सोचेंगे। अभी आपने कहा ना कि वो एक जाहिल औरत है, फिर जाहिल की बात का क्या बुरा मनाना? उसका शौहर तो उसकी बात समझता है ना, बस यही बहुत है हमारी माविश के लिए। अच्छा ये बताओ, दिलकश चली गई घर? हाँ पा, उसके ससुर का फोन आया था, नासिर आ रहा है ना सुबह। चलो अच्छा है, बेटियां अपने घरों में ही अच्छी लगती हैं। वैसे भी दिलकश को ज्यादा दिन यहाँ नहीं रहना चाहिए। खैर, नासिर आ जाएगा, यही बात बहुत अच्छी है। वो यहाँ रहने थोड़ी आई थी, वो तो आदर्श ने उसे रोक लिया था, वो भी तो अकेली हो गई। अरे अफशा, दिलकश को ससुराल से भागने का मौका चाहिए होता है, नासिर तो है नहीं, बस ससुराल वाले हैं और नंद ने तो उसका जीना हराम कर रखा। पापा, उसने तो कभी मुझसे ऐसी कोई शिकायत नहीं की, वो तो हमेशा हंसती ही रहती है। अरे हंसने बोलने का ये मतलब नहीं है कि इंसान अंदर से बहुत खुश है। वो क्या शेर है भाई, वो तुम जो यूं मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। ये आप भी ना खदीजा, आप यहाँ इतनी सीरियस बात हो रही है और आप शायरी को शुरू हो गई। मैं तो ऐसी ही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो आंटी नासिर कब आ रहे हैं?
सुबह 4 बजे की फ्लाइट है। अच्छा ठीक है। साजिद, मेरा नहीं ख्याल कि उनका जाने का कोई प्लान है। क्या हूँ साजिद, जाके बात करो उनसे और उनको कहो कि बस बहुत हो गया, अब जाएं यहाँ से। अब किस चीज का इंतजार कर रहे हैं वो लोग? यार मैं सोच रहा था कि अगर वो लोग यहाँ रहना चाहते हैं तो उसमें बुरा ही क्या है, हमारा ही फायदा इसमें। हमारा क्या फायदा इसमें? क्या फायदा? तुम्हें अच्छी तरह पता है कि उनकी जुबान किस तरह की, किस तरह से बात करती है वो। साजिद, उनसे सिर्फ अजरा मुकाबला कर सकती थी, मैं नहीं कर सकती, मुझमें इतनी बर्दाश्त नहीं। यार समझा करो बात को, वो लोग यहाँ पर रहेंगे तो बच्चों की देखभाल कर लेंगे और तुम जॉब कर लोगी। साजिद, मैं कह चुकी हूँ कि मैं जॉब नहीं करूँगी। नहीं करूँगी मतलब नहीं करूँगी, और मैं अपने बच्चों को इन पे नहीं छोड़ सकती। खुदा को इतनी मुश्किल से मैंने ठीक किया है, इनके बीच रहेगी तो दोबारा वैसी बदतमीज हो जाएगी, और तुम ये सब कुछ जानते बूझते कैसे सोच सकते हो? मैंने कहा तो था इन सब के लिए नौकरानी रख लो, जॉब छोड़ने की क्या जरूरत है? हाँ तुमने कहा था, मैंने सुन लिया, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और ना करूंगी, क्योंकि मुझे जॉब करनी नहीं है, अपना घर अपने बच्चों को मैं खुद देखूंगी और मैं अपना रिजाइन दे दूंगी। ये है जियो।